जी बिलाल भाई, तो मैंने जैसे कि साइप्रस आना है, तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ? आपने साइप्रस आना है हाँ जी, और आपने किसी यूनिवर्सिटी कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। साइप्रस आना चाहते हो, यूनिवर्सिटी कौन सी सेलेक्ट करनी है, इसके लिए मेरी वीडियो देखो आप। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बेसिकली आज का टॉपिक मेरा बहुत, मतलब इस टॉपिक पे है कि आपने साइप्रस आना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कैसे चूज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिकॉज ये मुझे लगता है एक बहुत जरूरी टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइप्रस आना चाहते हैं स्टडी वीजा पे, और वो अजीब अजीब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं स्कॉलरशिप पे, 75%, 100% स्कॉलरशिप पे ले लेते हैं। और लेकिन आई थिंक ये आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को डिटेल के साथ आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो बेसिकली साइप्रस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, डिफरेंट हैं, इस तरह मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं। जब आपने साइप्रस आना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ये मत देखें कि यार ये यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप दे रही है, 75% दे रही है, 100% दे रही है। आप सबसे पहले जाएं गूगल पे, सबसे पहले जाएं गूगल पे, वहां पे आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करें कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी अच्छी आ रही है इस टाइम, कौन सी अच्छी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। आप उस रैंकिंग के लिहाज से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप लोग फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी उनमें भी आप स्कॉलरशिप आपको उतनी ही मिल सकती है जितनी आप लोकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लेके एडमिशन आपको उतनी मिलेगी। मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, बताते हैं फ्रेंड्स एंड डिफरेंट मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ये हमारा एक्सेप्टेंस लेटर है, ये ब्ला 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 ब्ला। तो मैं मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख के, अजीब अजीब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। मतलब मैंने साइप्रस में 1.5 साल में मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं सुना होता, तो मैं वो देख के लेटर हैरान हो रहा होता है, ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि 100% स्कॉलरशिप दे रही है, 75% दे रही है। बेसिकली वो एक अजीब सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो जस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन फीस लेने के लिए सिर्फ उन्होंने स्कॉलरशिप दी होती है, और स्कॉलरशिप भी 1 साल की होती है, उसके बाद फिर आपसे वो फीस चार्ज करते हैं। तो ये भी एक उनका ना मार्केटिंग वो होता है, स्टूडेंट घेरने का एक मार्केटिंग आप जिसे कह सकते हैं, ये वो स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, तीन यूनिवर्सिटी साइप्रस की बेस्ट यूनिवर्सिटी चल रही है इस टाइम। यूरोपियन यूनिवर्सिटी नंबर वन पे है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी नंबर वन पे है, उसके बाद साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी CIU, उसके बाद नियर ईस्ट। नियर ईस्ट पहले नंबर वन पे थी, अब नंबर थर्ड पे आ गई है इस टाइम। यूरोपियन और CIU का कंपटीशन चल रहा है, एक दिन आप देखेंगे CIU ऊपर आई होगी, महीने बाद देखेंगे यूरोपियन ऊपर आई होगी, मतलब इस तरह उनकी मतलब आपस में क्लैश काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी। इसलिए नहीं बिकॉज मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं न्यूज आने वाले स्टूडेंट से भी इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे, मैंने सोचा है कि वहाँ पे जाके ना एक्सपीरियंसेस जो होंगे ना नाइजीरियन स्टूडेंट्स एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स आए हैं, उन सबकी डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी। नियर ईस्ट में भी जाऊंगा इंशाल्लाह, मैंने सोचा है वहाँ पे भी जाके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मोस्टली नियर ईस्ट के स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में CIU में ट्रांसफर कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा केसेस होते हैं ऐसे, मैंने बहुत केसेस देखे हैं। तो वीडियो खत्म करता हूँ, बस आपको यही, बस आप लोगों को, आप सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स व्यूवर्स जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो साइप्रस आना चाहते हैं या अजीब मतलब कॉम्प्लिकेटेड में कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए कि यार हम किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, क्या करें क्या नहीं, तो यार एक बार आप लोगों ने एडमिशन लेना है, इंटरनेशनल लेवल पे आके आप लोगों ने स्टडी करनी है। यूनिवर्सिटी अच्छी सेलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी अच्छी सेलेक्ट करो, थकी यूनिवर्सिटी में जाओगे डिग्री ले लोगे क्या होगा, कर
कल कोई अच्छी सी टेस्ट नहीं करेगी या कोई और मसला आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए तीन यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा भी हैं, बी ए यू हो गई या समथिंग, इस तरह कुछ और भी हैं, मतलब वो 4, 5, 6, 7 मतलब इस रैंकिंग पे चले जाती हैं। लेकिन आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो रैंकिंग में हाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट में आ जाएं, बताएं मुझे आप लोगों के क्या मैसेजेस हैं, मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उनके आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। इंस्टा पे जाएं, मेरे चैनल बना हुआ इंस्टा पे बिलाल व्लॉग्स के नाम से ही, तो वो भी सब्सक्राइब करें। या मेरे अकाउंट पे जाएं, यूट्यूब के अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब कुछ आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।